दोस्तों अगर आप सुजुकी के शोरूम पर आते हैं और आप स्कूटर खरीदने के लिए आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि भैया सुजुकी के 3 स्कूटर्स आते हैं और वो आप इधर देख सकते हैं खड़े हुए हैं। तो पहला तो सुजुकी का बर्गमैन होता है जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 93,000 रुपये के आसपास है। दूसरा सुजुकी का एविनिस आता है जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 89,000 रुपये के आसपास है, और जिसको आप जानते भी होंगे वो है सुजुकी एक्सेस 125 जो कि ये तीसरा स्कूटर आता है सुजुकी के स्कूटर्स के लाइनअप में जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम कीमत लगभग 87,000 रुपये के आसपास है। अब दोस्तों देखो ये सुजुकी के 3 स्कूटर्स आ रहे हैं, तीनों का ही डिज़ाइन लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अलग सी है। बर्गमैन देखने में काफ़ी बड़ा सा लगता है, एविनिस देखने में काफ़ी स्पोर्टी सा लगता है, और जो एक्सेस है वो देखने में काफ़ी सटल सा लगता है। तो दोस्तों देखो अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करोगे तो तीनों ही स्कूटर्स की डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अलग है। मतलब अगर आप इन स्कूटर्स के लुक से ही इनको कंपेयर करोगे तो फिर आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि देखने के मामले में तो तीनों स्कूटर काफ़ी अलग अलग से लगते हैं। तो मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो जाएगी कि आपके लिए कौन सा सुजुकी का स्कूटर बेहतर रहेगा। तो दोस्तों वही कन्फ्यूजन मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो इन तीनों ही स्कूटर्स की जो भी डिफ्रेंसेज हैं उनको बता करके तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इनकी कॉमन स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर इंजन की बात की जाए तो इन तीनों ही स्कूटर्स में आपको 125 सीसी का सिमिलर इंजन दिया जाता है जो कि लगभग 8.5 बीएचपी की पावर और लगभग 10 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालता है। एयर कूल्ड ये इंजन है और यही सेम इंजन तीनों ही स्कूटर्स में आपको मिलने वाला है। तीनों ही ये 125 सीसी के स्कूटर्स हैं। बाकी अगर आप इस सब के अलावा इन तीनों ही स्कूटर्स के व्हील्स, सस्पेंशन, ब्रेक्स, टायर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो इस मामले में ये तीनों ही स्कूटर काफ़ी सिमिलर है। मतलब आपको एक ही जैसा सेटअप दे रखा है। अगर आप टायर्स की बात करोगे तीनों ही स्कूटर के रियर में आपको 10 इंचज का टायर दिया जाता है जो कि ये 90/100 सेक्शन का होता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं बिल्कुल सेम सेक्शन के। और फ्रंट व्हील के मामले में तीनों ही स्कूटर के टॉप एंड वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, और डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में आपको यही डिस्क मिलने वाली है। तीनों ही स्कूटर के कोई से भी आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के बारे में बात करो आपको सिमिलर साइज की डिस्क मिलने वाली है जिसमें ये आपको निफिन के कैलिपर्स दिए जाते हैं। फ्रंट टायर की अगर आप बात करोगे तो आपको 90/90 सेक्शन का 12 इंचज का टायर दिया जाता है। और एलॉय व्हील्स भी लगभग तीनों ही स्कूटर्स के सिमिलर आप देख सकते हैं। पहले आपने ये एक्सेस का व्हील देख लिया, अभी अगर आप ये एविनिस का व्हील देखोगे तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, और अगर आप बर्गमैन वाला देखोगे तो वो भी सिमिलर है। और अगर इनकी लाइट्स और इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाए तो इस मामले में भी ये स्कूटर्स काफ़ी सिमिलर है। पहले अगर ये बर्गमैन की बात की जाए तो बर्गमैन में भी आपको LED सेटअप दिया जाता है, साइड में आपको डीएल्स दिए जाते हैं, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको हैलोजन बल्ब वाले दिए जाते हैं। वहीं पर अगर आप ये एविनिस की बात करोगे तो एविनिस के साथ भी ऐसा ही है। मैं अभी आपको थोड़ा सा ग्लोई करके दिखा दूँ। एविनिस में भी आपको LED हेडलैम्प दिया जाता है, साइड में DLS दिए जाते हैं, और जो इंडिकेटर्स है वो आपको हैलोजन बल्ब में दे रखे हैं। आप देख सकते हैं ये हैलोजन बल्ब वाले ग्लो कर रहे हैं। और एक्सेस के साथ भी ऐसा ही है। एक्सेस में भी आपको LED हेडलैम्प दिया जाता है, इधर आपके कुछ DRLs ग्लो करते हैं, हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स हो गए। और अगर आप ये रियर की बात करोगे तो रियर प्रोफाइल के साथ भी ऐसा ही है। रियर में भी आपके जो इंडिकेटर्स है वो आपको हैलोजन बल्ब वाले दिए जाते हैं। तीनों स्कूटर में आप देख सकते हैं साइड में इसमें हैलोजन वाला ग्लो कर रहा है, और जो टेल लैंप है वो एक्सेस में आपको हैलोजन बल्ब वाला दिया जाता है। बाकी अगर आप ये एविनिस को देखोगे तो एविनिस के जो टेल लैंप है वो आपको LED वाले दिए जाते हैं, और बर्गमैन में भी आपको LED सेटअप ही दिया जाता है लाइटिंग के मामले में। तो दोस्तों ये तो इनकी लाइटिंग हो गई। लाइटिंग में ऐसे ये डिज़ाइन के हिसाब से तो थोड़ा बहुत चेंजेस है। बाकी तीनों ही स्कूटर्स में आपको LED हेडलैम्प दिया जा रहा है। अब अगर इनके फीचर्स और कंट्रोल्स की बात की जाए तो फिर इस मामले में तीनों स्कूटर में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दिया जाता है, यानी कि जब आपका स्टैंड लगा होगा तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में बात करोगे तो लेफ्ट हैंडल पर आपका लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, या फिर जो आपका राइट हैंडल है इधर आपको एक ही स्विच दिया जाता है जो कि इंटीग्रेटेड है। मतलब इसी में आपका किल स्विच भी होता है और इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी होता है। तो ये जो सेटअप है ये तीनों स्कूटर में आपको सिमिलर दिया जाता है। अभी आपने ये एक्सेस पर देख लिया, बाकी अभी आपको कुछ फीचर्स मैं आपको ये एविनिस पर दिखाता हूँ। तो एविनिस पर भी आपको ऐसे ही सब कुछ मिलने वाला। आप देख सकते हैं जो एविनिस है इधर भी आपको ऐसा ही सेटअप दे रखा है। बाकी अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के बाद कुछ फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं, कुछ फीचर्स ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं। और ये जो भी फीचर्स है कैसे आपके स्मार्टफोन कनेक्ट करना होता है वो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। बाकी अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के और फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको स्पीडोमीटर दिया जाता है, डिजिटल क्लॉक दे रखी है, इंजन का टेम्परेचर वाला मीटर ऊपर आपको दे रखा है, साइड में फ्यूल गेज, और इधर आपको ओडोमीटर दिया जाता है जिसमें आपको ट्रिप मीटर भी दे रखी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ये आपको बैटरी की वोल्टेज भी बताएगा। बाकी दोस्तों ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये सिमिलर सेटअप आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बर्गमैन में भी दिया जाता है। बाकी अगर आप ये एविनिस की बात करोगे तो एविनिस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। मतलब कि इसमें फीचर्स तो लगभग सारे के सारे एक्सेस और बर्गमैन वाले ही दे रखे, लेकिन इसका जो ये इंटरफेस है ये थोड़ा सा एक्सेस और बर्गमैन से थोड़ा अलग दे रखा है। बाकी और फीचर्स के मामले में इन तीनों ही स्कूटर्स में आपको USB चार्जिंग भी दी जाती है।
अभी मैं आपको ये एवनिस वाला दिखाऊं तो इधर आपको यूएसबी चार्जिंग दे रखी है और इधर आपको पॉकेट भी दी जाती है। बाकी अगर आप ये एक्सेस की बात करोगे तो एक्सेस में भी आप देख सकते हैं साइड में आपको यूएसबी चार्जिंग दी जाती है। और अगर आप ये बर्गमैन की बात करोगे तो दोस्तों बर्गमैन में भी आपको यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों आप इन तीनों ही स्कूटर्स के फीचर्स के बारे में बात कर लो, आप लाइट्स के बारे में बात कर लो, आप या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लो, या फिर इनके व्हील सस्पेंशन ब्रेक्स या फिर टायर्स के बारे में बात कर लो, या इंजन या फिर इनके ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लो, इन सब के मामले में ये तीनों स्कूटर्स काफ़ी सिमिलर है। मतलब बिल्कुल आपको सेम ही चीज़ तीनों स्कूटर्स में मिलने वाली है। मतलब कि अभी तक किसी भी मामले में ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला स्कूटर ज़्यादा बढ़िया है, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स दे रखे हैं, इसमें आपको ये दे रखा है वो दे रखा है, ये सब अभी तक कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर आप सीट हाइट की भी बात करोगे तो मैं फिलहाल एक्सेस पर बैठा हूँ, इसकी सीट हाइट लगभग 773 mm के आसपास है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 mm के आसपास है। और ये जो एवनिस और बर्गमैन है, जब आप इन पर बैठते तो इनकी सीट हाइट थोड़ी सी अलग है, इन दोनों की सीट हाइट लगभग 780 mm के आसपास है और ग्राउंड क्लियरेंस इनका भी 160 mm ही है। मतलब कि हाँ सीट हाइट में तो थोड़ा सा फर्क आ गया। तो दोस्तों अब मैं आपको जो फर्क आता है इन तीनों स्कूटर्स में वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू करता हूँ कि वो क्या फर्क आता है, जिनसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सही रहेगा। और जो फर्क आने शुरू होते हैं वो आपके आते हैं सीट से रिलेटेड, जैसे कि पहले तो सीट हाइट में फर्क आ गया, उसके बाद अगर आप सीट का साइज देखोगे या फिर कंफर्ट या फिर कन्वेंस के बारे में बात करोगे तो अब इन तीनों स्कूटर में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। तो दोस्तों ये जो सुजुकी एक्सेस की सीट है ये काफ़ी वाइड है और आपको काफ़ी बड़ी लगने वाली है और बिल्कुल ये स्ट्रेट आपको इसमें दे रखी है। और ये जो सीट है ये आपकी आगे से ही ओपन हो जाती है, आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। और बूट स्पेस के मामले में अगर आपको बात करनी है तो मैंने इसका एक रिव्यू कर रखा है, उसमें आपको दिखाया हुआ है कि इसकी इस बूट स्पेस में कितना स्पेस आता है। और ये जो एक्सेस है इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखी है, जैसे कि इसका रिव्यू कर रखा है या फिर इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, कितने कलर ऑप्शन आते हैं। और ये जो वीडियोज़ हैं ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक दे रखी, या फिर आप ऊपर आई बटन में से भी इनकी लिंक देख सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि कन्वेंस में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो दोस्तों ये जो एक्सेस है इसमें आपको ये चाबी निकालनी पड़ती है फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, और आपको एक्सटर्नल फ्यूल टैंक तो दिया जाता है लेकिन ये आपको चाबी से अलग से ओपन करना पड़ता है, ये आपका आगे से एक्सेस नहीं होता। बाकी अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करोगे तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 5 लीटर के आसपास है। अब अगर ये एक्सेस के बाद आप एवनिस पर आते हैं तो दोस्तों जो एवनिस की सीट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं कि जो राइडर की सीट है वो थोड़ी नीची है और जो पिलियन की सीट है वो थोड़ी सी ऊपर है, यानी कि थोड़ा सा आपको स्पोर्टी डिज़ाइन दे रखा है, थोड़ी सी आपको ये रेड स्ट्रिपिंग दे रखी है, और मतलब कि सीट का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। और ये वाली सीट एक्सेस वाली सीट से थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी नैरो भी है। बाकी अगर आप बात करोगे कन्वेंस के मामले में फिर से, तो इसका जो ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है ये थोड़ा सा आपको अलग दे रखा है। पहले तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल फ्लैट ऊपर की ओर दे रखा। दूसरा इसकी खोलने की जो लोकेशन है वो आपको थोड़ी सी अलग दे रखी है, इसके लिए आपको इधर ही साइड पैनल में चाबी लगानी पड़ती है तब जाकर के आपका ये फ्यूल टैंक ओपन होता है। बाकी कैपेसिटी के मामले में इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी लगभग 5 लीटर के आसपास ही है। और अगर आप सीट की बात करोगे तो जो ये आपका की लॉक है ये तो आपको तीनों स्कूटर में सिमिलर ही दे रखा है, आपकी आगे चाबी लगती है वहीं से आपकी ये सीट ओपन हो जाती है। और बूट स्पेस के मामले में इसमें भी आपको इतना ही बूट स्पेस मिलने वाला है जितना कि लगभग आपको एक्सेस में मिलता है। बाकी अगर आपको इसका भी डिटेल में रिव्यू देखना है, इसकी भी डिटेल वीडियोस देखनी है तो उनकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसकी भी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है या फिर इसमें क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में मैंने अलग से बात कर रखी है। अब आते हैं अपने बर्गमैन पर, और अब ये जो बर्गमैन है इसकी सीट का डिज़ाइन और ये जो एवनिस है इसकी सीट का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन साइज थोड़ा सा बर्गमैन वाली सीट का बड़ा है। जैसे कि बर्गमैन थोड़ा बड़ा स्कूटर है तो इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी सीट दे रखी है और ये काफ़ी वाइडर सीट है, और लेंथ के मामले में भी ये वाली सीट एक्सेस और एवनिस से थोड़ी सी लंबी है। मतलब कि सीट के मामले में बर्गमैन में आपको थोड़ी बड़ी सीट दी जाती है लेकिन ओपन ये भी आपके आगे से ही हो जाती है। और बूट स्पेस के मामले में बर्गमैन का बूट आपको एक्सेस और एवनिस से थोड़ा सा बड़ा लगेगा और ये थोड़ा सा आपको बड़ा दे भी रखा। बाकी अगर आप कन्वेंस की बात करोगे तो इसका जो ये फ्यूल टैंक है ये आपको सीट के नीचे ही दिया जाता है। बाकी जो कैपेसिटी है इसकी भी इतनी है जितनी कि लगभग एक्सेस और एवनिस की है। लगभग तीनों स्कूटर में आपको 5 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक दिया जाता है। तो दोस्तों देखो सीट कंफर्ट और स्पेस के मामले में नंबर एक पर है बर्गमैन। बर्गमैन में आपको काफ़ी बड़ी सीट दी जाती है। और अगर आप आगे लेग रूम की भी बात करोगे तो बर्गमैन में आपको 2 जगह दी जाती है जहाँ पर आप लेग रख सकते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि लेग रूम के मामले में भी बर्गमैन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेग रूम दिया जाता है। और सीट का मैंने आपको बता ही दिया, मतलब कि कुल मिलाकर के बात यह है कि कंफर्ट और स्पेस और सीट के मामले में नंबर एक पर आता है बर्गमैन, दूसरे नंबर पर आता है एक्सेस क्योंकि इसमें आपको थोड़ी फ्लैट सीट दे रखी है तो इस पर 2 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, तो आपको बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और लेग रूम भी आपको अच्छा खासा दिया जाता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है एवनिस, क्योंकि एवनिस की सीट थोड़ी सी एक तो छोटी है बर्गमैन से, और जो आगे लेग रूम है वो भी आपको तीनों स्कूटर्स के मामले में सबसे कम एवनिस पर मिलने वाला है।
बाकी दोस्तों अगर आप वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के बारे में बात करोगे तो ये जो एक्सेस है इसमें भर भर के वेरिएंट्स दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट दे रखे हैं और इतने सारे वेरिएंट दे रखे हैं कि मैंने तो एक अलग से ही वीडियो बना रखी है और उसी में बता रखा है कि भैया इसमें कितने वेरिएंट है, कितने का आपको पड़ने वाला है, क्या क्या कलर ऑप्शन है, वो सारे के सारा आपको अलग से बता रखा है। और वो वीडियो भी आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप ये अभी तक एक्सेस में इंटरेस्टेड हैं। बाकी अगर आप इसकी दिल्ली शोरूम कीमत की बात करोगे तो इसकी दिल्ली शोरूम कीमत लगभग 77,000 रुपये से ही शुरू हो जाती है। बाकी अगर आप ये एविनिस में बात करोगे तो इसमें आपके गिने चुने कलर्स आते हैं और इसमें वेरिएंट भी तीन ही आते हैं। एक तो आपका रेस एडिशन आता है, दूसरा ब्लूटूथ वाला अलग से एडिशन आता है और एक इनका स्टैंडर्ड एडिशन आता है। यानी कि इसमें आपको ड्रम ब्रेक या फिर जो स्टील रिम्स होती हैं उनका कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दे रखा। बाकी दोस्तों अगर आप बर्गमैन की बात करोगे तो बर्गमैन में आपके दो ही वेरिएंट आते हैं, दोनों डिस्क ब्रेक वाले आते हैं। बस जो फर्क आता है वो आपका ब्लूटूथ और नॉन ब्लूटूथ का आता है कि आपको स्कूटर ब्लूटूथ के साथ चाहिए या फिर आपको नॉन ब्लूटूथ वाला चाहिए, बस यही एक फर्क आता है। बाकी वेरिएंट्स के मामले में कुछ भी फर्क नहीं आता। तो दोस्तों वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है सुजुकी एक्सेस, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वेरिएंट्स और आपको कलर ऑप्शंस दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है ये एविनिस और तीसरे नंबर पर आता है बर्गमैन। तो दोस्तों देखो अब तक ये जितनी भी बातें हुई हैं उनके हिसाब से तो अभी तक ये तीनों स्कूटर काफ़ी सिमिलर ही है। किसी मामले में कोई सा स्कूटर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बाकी अभी तक भी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया है जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि ये वाला स्कूटर ज़्यादा आगे निकल रहा है या फिर ये वाला आपके लिए, ये सब मैं अभी तक नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों अब जो इन तीनों स्कूटर में जो फ़र्क है भी वो सारा का सारा डिज़ाइन लैंग्वेज का ही है। आप पहले अगर ये सुजुकी एक्सेस को देखोगे तो दोस्तों ये जो सुजुकी एक्सेस है इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल सा रखा जाता है, काफ़ी मतलब सेटल सा लुक है और काफ़ी क्लासी सा ये देखने में लगता है। राउंड शेप के आपको मिरर्स वगैरह दे देते हैं, थोड़ा बहुत इस पर क्रोम लगा करके दिया जाता है और इसका ये ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सिंपल सा दिया जाता है। जो साइलेंसर है उधर भी आपको कुछ क्रोम ट्रीटमेंट की प्लेट दिखाई देगी और काफ़ी सिंपल सा साइलेंसर दिया जाता है। तो मतलब जिनको सिंपल और क्लासी डिज़ाइन वाला स्कूटर चाहिए वो सुजुकी एक्सेस के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों जिनको थोड़ा सा फंकी सा लुक चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टी से लुक चाहिए, थोड़ा आपको स्कूटर पर ग्राफिक्स चाहिए तो उनके लिए ये सुजुकी एविनिस है, जिसका डिज़ाइन आपको देखने में ऐसा भी लग सकता है जैसे कि टीवीएस एंटोर्क होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है और इस पर काफ़ी बड़े बड़े ग्राफिक्स भी दिए जाते हैं। अगर आप बैजिंग देखोगे तो वो आपको काफ़ी कलरफुल सी दे रखी है और फ्रंट से लेकर रियर तक पूरे स्कूटर में आपको काफ़ी एजेस दिखाई देंगी, काफ़ी शार्प आपको कट्स दिखाई देंगे। मतलब कि जिनको थोड़ा सा फंकी और स्पोर्टी सा स्कूटर चाहिए वो सुजुकी एविनिस के साथ जा सकते हैं। और ये जो सुजुकी एक्सेस है और एविनिस के प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क भी आता है, लगभग आपका 2-3 हज़ार रुपए का फर्क आता है। बाकी दोस्तों ये जो तीसरा स्कूटर बचता है बर्गमैन, अब भैया इसके जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ये जो बर्गमैन के लिए आप थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हैं वो देते हैं इसके लुक्स के लिए। अगर आप इसके फ्रंट लुक देखोगे तो ये स्कूटर आपको देखने में फ्रंट से काफ़ी बड़ा लगता है और जब आप इस स्कूटर पर बैठे हुए होते तो आप काफ़ी फैल करके बैठ सकते हैं और आप देखेंगे कि जो आपके लेग्स होते हैं वो आपके बाहर नहीं निकलते हैं, आप इधर पैर रख सकते हैं, इधर पैर रख सकते हैं, आप काफ़ी आराम से बैठने वाले। यानी कि आप जो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने वाले हैं बर्गमैन के लिए वो एक तो आप इसके डिज़ाइन के लिए देने वाले हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छा सा लुक दिया जाता है, काफ़ी स्कूटर देखने में बड़ा सा लगता है, विंडशील्ड दी जाती है और आपको ऐसा सा स्टीयरिंग दिया जाता है जैसे कि मोटरसाइकिल में आपको दिया जाता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पीछे होता है और आपका हैंडल बार ऊपर होता है, कुछ कुछ ऐसा दिया जाता है, आप अलग अलग जगह पर अपने लेग्स रख सकते हैं, सीट काफ़ी बड़ी दी जाती है। मतलब कि दोस्तों जिन लोगों को थोड़ा सा बड़ा स्कूटर चाहिए, थोड़ा सा डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा यूनिक सा स्कूटर चाहिए कि हाँ लगे कि आप कुछ बड़ी सी चीज़ चला रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्कूटर स्पेशियस और थोड़ा सा कंफर्टेबल, वो लोग ये बर्गमैन के साथ जा सकते हैं और बर्गमैन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है या फिर अभी भी आप अपने लिए सुजुकी का कोई सा भी स्कूटर सेलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर आप अपनी कन्फ्यूजन मुझसे कमेंट में पूछिए, मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और बाकी आपको अपने लिए कौन सा सुजुकी का स्कूटर अच्छा लग रहा है, आप अपने लिए कौन सा डिसाइड करने वाले हैं वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक भी करिए, वीडियोज़ पर कमेंट भी करिए और वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, जो उनको भी पता चल जाए कि सुजुकी के तीनों स्कूटर में क्या क्या फ़र्क आता है और उनके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। और बस आज की इस वीडियो में इतनी और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।